हकदार और कड़वा सच है। कणियल का आधार धड़कन धड़कन जुड़ा हुआ है। शिक्षा का संसार, शिक्षा का संसार, शिक्षा का संसार, प्यार भरोसा अदब कायदा जिसके पाए चार। प्यार भरोसा अदब कायदा जिसके पाए चार। रे भैया ये है घर परिवार, रे बबुआ ये है घर परिवार। घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार। ऐसा डंका बजेगा कि फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी दोबारा ऐसी हरकत करने की। आप चिंता ना करो दादा, आज वो ढोल बजेगा कि सतवीर चौधरी के भूत भी नचेंगे। नचेंगे भूत भी नचेंगे। हाँ दद्दू, आज तक हमने पूरा खेला नहीं खेला, सबको अपना समझा। आज तो ऐसा डमरू बजेगा कि शंकर भी नाचेंगे गली गली। शंकर नाचे गली गली, ऐसा सूतो, ऐसा सूतो कि जेल जाते हुए मन दर्द ना हो। दादा ये सब बंद करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया, तू छिपकली इतना घबराया घबराया क्यों बोल रहा है? क्या बात करो दादा, बिंदु पहलवान कभी किसी से डर है के? तो? पर माँ जरा दादा कुछ और ही है, वो नहीं है, कोई और भी है। ओ दादा मैं किस तरह समझाऊं आपने? पहलवान जी, पहलवान जी क्या हो गया? आज तो राड होगी पक्की। राड होगी, तू दुकान पे बैठा था, क्या हो गया? मैं दुकान पे क्या बैठा था, मैं तो बैठे बैठे मौज में गुड़ तोल रहा था दुकान पे। बस देखू के वो मास्टर जी जो है ना, वो आपके घर की तरफ को आ रही। मैं सोचा मैं पहलवान जी को खबर दू, मैं तो दुकान छोड़ के भाग्या भाग्या चला है। मास्टर जी मेरे घर की तरफ आ रही है? हाँ? अरे दरवाजा बंद कर लो रे, और खिड़की बंद कर लो, सारे बच्चे का अलग छुपा खा लो, अच्छा छुपा लो रे। मास्टर जी आ गई, आ गई, आ गई। क्यों आई है? आप लोगों को शांत करने। क्यों? हमारे शरीर पर जलते हुए अंगारे चिपट रहे हैं क्या? मैं तो ये बताने आई हूँ कि ये कागज में दुख की नहीं खुशी की खबर है। दरअसल भाई साहब आपकी पहलवानी की वजह से आपको सरकार ने सम्मानित किया है। ऐसे शेर छाप कर हमें धमकी देकर? ये शेर तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है जो हर सरकारी कागज पर छपा होता है। मतलब DIG पुलिस जो कि खेल परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपका नाम नामी पहलवान होने की वजह से चुना है। ओहो, हमारी पहलवानी के चर्चे तो सरकार में हो रहे बिंदु। हाँ चाचा यही बात तो मैं पहले बता रहा था, आप सुन नहीं रहे थे मेरी बात। आओ शकुंतला जी जल्दी से अंदर आके बैठ जाओ आप। दादा हाँ आप भी बैठिए ना। ठीक से आप तो बहुत बड़े मशहूर आदमी हो गए हैं, लेकिन एक थोड़ी सी भूल की वजह से बहुत बड़ा अनर्थ भी तो हो सकता है। भूल? मैं तो यही चाहती हूँ कि आप सभी लोग पढ़ें। अरे हमें इनाम तो पहलवानी की वजह से मिल रहा है, कोई पढ़ाई की वजह से थोड़ी मिल रहा है। क्यों दद्दू? और चलो फिर कभी बात करेंगे। बोल बजरंग बली की जय। नमस्कार अनुराग जी। ओहो जसवीर भाई कैसे हैं? आज ठीक ठाक। यहाँ तक कैसे पहुँच गए? अरे बड़े मुश्किल से आपका पता पूछते पूछते यहाँ तक पहुँचा। और बताइए घर में क्या हाल चाल है? बस घर में सब ठीक ठाक है। और ऑफिस में? ऑफिस में भी सब सही चल रहा है। आइए यहीं बैठ के बातचीत करते हैं। आइए आइए बैठिए जसवीर भाई। हाँ इस पूरे गाँव में यही एक ऐसी जगह है जहाँ आप सुकून से कुछ सोच समझ सकते हैं। ओहो बहुत शांति वाली जगह है। हाँ हाँ बताइए। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि इस गांव के लोगों को पढ़ाई से सख्त नफरत क्यों है। अच्छा यहाँ के हालात आपकी समझ में आ गए ना? लेकिन इन लोगों को तो साधारण ज्ञान भी नहीं है। क्यों, कहीं किसी से भिड़ंत हो गई? आपका पता पूछते पूछते मैं अखाड़े में जा पहुँचा। अखाड़े में? हाँ अखाड़े में। अखाड़े में दो पहलवान मिले,
लेकिन उनकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पता नहीं ये किस दुनिया में जी रहे हैं। जसवीर भाई, कहीं आप उस बिंदु पहलवान से तो नहीं मिले? नहीं, नाम तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन ये बिंदु पहलवान कौन है? अब इस बिंदु पहलवान को ले लीजिए, एक बड़ी अजीबोगरीब आइटम है ये। अच्छा, ना तो खुद को अक्षर ज्ञान है, अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए खड़ा हो गया, लोगों को भी नहीं पढ़ने देता। यहाँ के हालात तो ये है कि ये लोग पढ़े लिखों को अपना दुश्मन मानते हैं। ओहो, तभी वो लोग मुझे बार बार जासूस बोल रहे थे। हाँ, ये लोग पढ़े लिखों को जासूस कहते हैं। बस एक बेचारी शकुंतला है, जैसे तैसे स्कूल चला रही है, घरों घरों जाती है, पढ़ाई का फायदा बताती है। अच्छा, पिछली रिपोर्ट में भी इसी बात की चर्चा हुई थी। हाँ। ये उसी की रिपोर्ट है। हाँ, दिखाइए। आप इस पर एक्शन लीजिए ना। हाँ, जसवीर भाई, जो यहाँ के हालात हैं उनको देखते हुए मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ, आप खुद सोचें। लेकिन मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज बताइए। अनुराग जी, अगर इस गांव के आदमियों की बजाय औरतों को मोटिवेट करने की कोशिश की जाए और ये बात अगर उनके दिमाग में घर कर गई कि इस युग में पढ़ाई बहुत जरूरी है, तो समझो बात बन गई। जसवीर भाई, यहाँ पे भी एक समस्या है, यहाँ की औरतें भी पढ़ाई लिखाई के खिलाफ है, ना ही अपनी लड़कियों को पढ़ाते लिखाते हैं, ना पढ़ी लिखी लड़की को अपनी बहू बनाते हैं। ये तो बहुत गंभीर समस्या है। अब शकुंतला बता रही थी कि इस गांव में कोई दो चार औरतें होंगी जो पढ़ी लिखी है। ये तो और भी ठीक है, उनको समझाया जा सकता है। अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ पूछे। कि ना तो ये लोग पढ़ना लिखना चाहते हैं, ना ये शहर जाना चाहते हैं, बिल्कुल, तो इनको नौकरी भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो ये काम क्या करते हैं? खेतीबाड़ी करते हैं, पशु पालते हैं। और मनोरंजन के नाम पर? मनोरंजन के नाम पर पहलवानी करो, बच्चे पैदा करो। ओहो, तो आप इनको ये समझाओ कि भाई पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो जो खेती बाड़ी के बारे में इनको नया नया ज्ञान मिलेगा, उससे पैदावार बढ़ेगी, और जो इनका काम धंधा है उसके लिए तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका सुझाव ठीक तो है, मुझे लगता है शायद इसी तरह इनको मोटिवेट किया जा सकता है। अच्छा, एक तीसरी बात और बोलिए कि शकुंतला जी को आप ये समझाओ कि इन बातों को ध्यान में रखकर वो इस योजना पर काम करें, तो बात बहुत अच्छी तरह बन जाएगी। ठीक है जसवीर भाई, हम दोनों जने मिलकर इस पे कोशिश करते हैं और इसी तरह सरकार की योजना को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है इस शताब्दी में ये लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगेंगे। हाँ, चलो हम भी कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आइए, कंधे से कंधा आइए, मैं आपको छज्जू की दुकान पर चाय पिलाता हूँ। संध्या की बिरिया भाई तिमक रहे। अरे तुम सुबह सुबह ये खाना पीना छोड़कर क्यों ये बाबलों की तरह यहाँ खड़ा हुआ है? अरे पिताजी कुछ नहीं, बस बस वैसे ही। अब समझा तेरी ये पढ़ाई हो रही है इसलिए बावला बन के यहाँ खड़ा हुआ है। अरे पिताजी ऐसा कुछ नहीं है। अरे पिताजी आप तो गलत समझ रहे, बस मैं तो पढ़ रहा था अपना। देख बेटा सुन, अगर तुझे भूखा भी रहना है ना तो किसी ऐसे दिन रहे जिस दिन सोमवार हो या मंगल हो, तो कम से कम भगवान तो खुश होंगे। अरे पिताजी मैं व्रत थोड़ी रख रहा हूँ, बस ये भूख नहीं लग रही है। भूख नहीं लग रही है, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा है। अरे तूने कहा इम्तिहान का जंजाल पाल के रखा है। अरे पिताजी कोई जंजाल नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। ओहो, मैं कहता हूँ देख बेटे मेरी बात सुन, मेरी बात को समझ बेटा, ये किताब छोड़ यहाँ पर, सीधा पकड़, ठीक से पकड़। हाँ देख बेटा, अगर भूखे रहने से पढ़ाई होती है तो हम पूरा परिवार भूखे रह जाते हैं। अरे हम पढ़ भी जाएंगे और घर का अनाज भी बचेगा। हाँ अरे पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी इम्तिहान आ रहे हैं उसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उसमें नंबर भी तो आने अच्छे हैं। अरे अब तूने क्या नंबरों का बखेड़ा खड़ा कर दिया है? अरे हमारे यहाँ तो मकानों तक पे नंबर नहीं है। बापू इम्तिहान में हर सवाल के नंबर होते हैं। ओहो, ये कैसे सवाल हैं जो नंबरों के लिए यहाँ वहाँ घूम रहे हैं? अरे हमने लोगों के सामने ना जाने कितने सवाल खड़े किए, हमें कभी नंबरों की जरूरत नहीं पड़ी है बेटे। लेकिन बापू इम्तिहान में नंबर की जरूरत तो होती है, उसी से तो पता चलता है कि आप कैसे हो। अच्छा बेटा, तो अब तेरे नंबरों से ये पता चलेगा कि हम कैसे हैं? अरे बापू अब मैं आपको कैसे समझाऊं, जब आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। लगता है आज रात भर तुझे खटबलों ने काटा है। हाँ तभी तू ऐसी बातें कर रहा है। अरे भला अब इस उम्र में मैं पढ़ूंगा? अरे पिताजी बस मैंने तो यूं ही कह दिया था, वैसे पढ़ने में बड़ा मजा आता है। हाँ आज तू मजा बता ही दे। अरे ये पढ़ने में क्या मजा आता है? अरे पिताजी जब आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बता बता। देखो वो पढ़ने से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, देश विदेश के बारे में जानने को मिलता है। हाँ, जैसे?
जैसे जैसा हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। अरे तुम बावला हो गया है, अपना पड़ोसी तो मंगत है, मंगत। हाँ, जो शादियों में औरतों की ड्रेस पहन के नाचता है। अरे पिताजी, मैं अपने पड़ोसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पड़ोसी देश की बात कर रहा हूँ। अरे बेटे, पहले अपने गांव से तो निपट ले, फिर देश की बात करना। अरे बापू, आपसे माथा पच्ची करने से अच्छा है कि मैं जाके खाने ही खा लूं। देख बेटा, तू मुझे कहीं नालायक तो नहीं समझता? अरे पिताजी, आप ऐसा मत बोला करो। देख बेटा, तू खुश रहा कर। हाँ, और अगर तेरी बहुत इच्छा है तो मुझे भी एक ला दियो। क्या? किताब। सच पिताजी? सच। अरे बेटा, तेरी माँ भी कल घर से आने वाली है, तू वो भी देख ले मेरा किताबी जलवा। सच? हाँ बेटा। अरे अभी मुझ पर इतनी गरीबी नहीं आई बेटे कि मैं तुझसे झूठ बोलूं। हाँ, आजा राजा बेटे, आजा। सो जा बेटे मेरे, सो जा। अरे भाई, अपने बिंदु का फोटो तुम बड़ा निकल के आया। क्या बदन है, क्या डोले है, क्या बात है भाई। फोटो देख के तो लगे है बिंदु की पसलियों में अभी बहुत जान है। हाँ वो तो है। चलो अब ये पोत्रों का काम भी निपट ही गया। भाई एक बात है दद्दू, डोले भी किसी से कम नहीं है, और वैसे भी ये सब मेरी भैंसों का कमाल है दद्दू, जिनकी मैं सुबह शाम सेवा किया करता हूँ। यह बात तेरे भैंसों के कमाल की ना हो रही, बिंदु के जलाल की हो रही है। अरे लेकिन एक बात है दद्दू, बिना भैंस के पहलवान की कोई गत नहीं होती, और भैंस ही तो पहलवान को आदमी बनाती है दद्दू। क्या कहना चाहता है तू? यही कहना चाहता है ना, पहलवान आदमी नहीं होते। तेरे को खबरदार कर रहा हूँ, तू अपनी भैंसों का ख्याल रख, पहलवानों के बारे में कुछ ना बोलियो, नहीं तो बहुत मारूंगा। दद्दू छोड़ दो ना, गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। ले छोड़ दिया, फिर ना बोलियो। ठीक है दद्दू। अरे दद्दू, आज तो बड़ी पढ़ने वालों की वकालत कर रहे हो। एक बात तो है दद्दू, पढ़ने वाला इतना पैसा नौकरी में नहीं कमाता दद्दू, जितना पैसा मैं भैंसों के दूध में कमा लेता हूँ, और घी मक्खन से अलग। तू भी कभी कभी लंबी छोड़े है गजेंद्र, किताबों में भी कम मसाले नहीं होते। अरे तुम दोनों ऐसे भिड़ क्यों रहे हो, वो बिंदु कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, आजकल तो उसका कुछ पता ही नहीं चलता। अरे भाई बिंदु ना आया। पोस्टर पोस्टर लग लिए, बैठे रे बैठे रे। लो बिंदु, बिंदु तेरी फोटो छप ली ना, देख रहे कैसे गधा लेके गबरू जवान हो रहा। बाकी तो सब ठीक है, बाकी मूछ थोड़ी छोटी रह ली है ना, अगर राजेंद्र जैसी मूछ होती तो तू इलेक्शन लड़ ले रे। फिर खड़ा हो गया दादा, वो आप डीआईजी के यहाँ जा रहे हैं ना, सलामी देगा? हाँ सलामी देने खड़ा हो गया। देखिए खड़ा हो गया, ये तो खड़ा है बैठा दिखे, बैठ जा रहे। ऐसी मौज ले ली, रस्ते में एक भैंस पड़ गई एक के पीछे, जब बाजी है जब बाजी है। ना चल रहे तो पता है क्या हुई, मैं बहुत बड़ा पहलवान तो कुछ तो लड़ने जाया करता ना, विश्वास नहीं करेगा, डॉक्टर लेके आते थे पहलवान, हड्डी तो मैं कटक तोड़ दिया कर। मैं जब दंगल में उतरा करता था ना, तो धाड़ मारते ही दूसरा पहलवान भाग लेता था। कई पहलवान तो कुश्ती शुरू होने से पहले ही मेरे पाप पकड़ लिया करते थे। अच्छा तो तू। अरे पहले की चार भैंसे अपने तबेले की दंगल से तो जीतती थी। ये दंगल वंगल छोड़ो, हम लोग यहाँ चुनाव के सिलसिले में जरूरी बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ओहो, मैं तो भूल गया था कि चुनाव सभा में बैठ रहा हूँ मैं। बिंदु कितने? बिंदु और कहाँ होगा, चुनाव के प्रचार में ही तो होगा दद्दू। अमन पे रहा है वो, कित कित के प्रचार कर रहा है। क्या हुआ दादा, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? अरे हाँ दद्दू, कोई परेशानी वाली बात तो ना है। कोई परेशानी वाली बात है दद्दू तो उठो। नन्ना बैठे रे रे। चुनाव में उसका यूं अकेले जाना ठीक नहीं है। मन्ने लागे इकल्ला तो बनना है। खैर छोड़ो,
आप तो ये पोस्टर देखो। अरे पोस्टर में क्या दिख रहा है? पोस्टर देख के तो मैंने लगा बिंदु प्रधान तो क्या प्रधानमंत्री बन जाओ। बिल्कुल सही कह रहा हूँ दद्दू, मैं भी जहाज में घूमूंगा। जहाज गिर जाएगा रे। अरे भगवान ने चाहिए तो हमारा बिंदु सब कुछ बन जाएगा। शकुंतला एक बात बताऊं तुझे, मैंने काफी सोचा समझा और समझदार लोगों से सलाह भी ली, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इतना कर लिया मैंने। सुन यार, हम एक सरकारी कागज तक को नहीं पढ़ सकते तो फिर बड़े बड़े सरकारी काम काज और रुपये पैसे को कैसे संभालेंगे? इतनी जल्दी दिल उदास मत करो बिंदु, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो ये भी तो कोई कम नहीं। हाँ तू ठीक कहती है, मुझे तो अपनी गलती का एहसास हो गया है और इसलिए ये फैसला करने के लिए मैंने तुझे यहाँ बुलवाया है, वरना मैं ना बुलाता, ये बात पक्की है। हाँ मैं तो ऐसे ही काम के लिए यहाँ आई हूँ, ताकि हमारे बुजुर्ग और जवान अपने मजबूत हाथों में पढ़ाई का मजबूत कलम पकड़ सके। अच्छा शकुंतला एक बात अपने दिल पर हाथ रखकर बता, कसम खा के पूछ लूं? पूछो। मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? तुम बिंदु बहुत अच्छे इंसान हो और ईमानदार भी, तुम्हारा चुनाव लड़ना कोई गलत नहीं। चलो खैर एक बात तुझे मैं और बता दूं, तुझे मालूम नहीं होगी, हमारे गांव के आसपास 40 कोस में जितने और गांव हैं उसमें रहने वाले लोगों ने तय किया है मुझे कि तुम जैसे लोग जो गांव में घुसते हैं पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं तुमको धक्के मार मार के बाहर निकाल दूं। सच? पहले मैं खुद गुस्सा होकर गई थी, अब तुम मुझे भेज दोगे? पागल नहीं है तू, ये मैं भी जानता हूँ। अरे मैंने बेरा है और तने भी बेरा है कि जब तक मैं गांव में हूँ तुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता कोई भी। बिंदु तुम सच में नेक इंसान हो, अगर पढ़ लिख जाओ तो और बेहतर इंसान बन सकते हो। तू पढ़ाएगी मुझे? तुम पढ़ सकोगे मुझसे, कोई रोकेगा तो नहीं। तुम्हारा मकसद तो? मेरा मकसद? अरे बावड़ी मेरा मकसद तो तू ही थी रे, अब तू ही जीवन में नहीं रही तो फिर और मकसद क्या हो सकता है? मैं तो तुमसे कुछ कहने के लायक ही नहीं रही बिंदु। अरे किताबों ने तेरे को यही सिखाया है अपने आप को कमजोर करना हैं? मुझे तो किताबों ने जीने की शक्ति दी है। तो फिर ये उदास उदास बातें क्यों हैं? ये तो वो उदास बातें हैं जो जिंदगी के एक मोड़ पर रह गई हैं। मेरी जिंदगी की जमीन तो सख्त हो चुकी है। अरे शकुंतला जब तेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की ऐसी बातें करेंगी तो हम जैसे अनपढ़ गंवार आदमी क्या करेंगे? बोल। इधर देख तू अपने आप को अकेली मत समझना, मैं तेरे साथ हूँ, आज से मैं पढ़ूंगा तेरे साथ, तू पढ़ाएगी मुझे? पढ़ाएगी मुझे? तुम पढ़ सकोगे? पढ़ूंगा, चल उदास नहीं होते, आ चल मैं तेरे साथ हूं, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। 3 महीने हो गए वैद्य के दिए हुए इस तेल से इसकी मालिश करते करते, अभी तक तो कुछ आराम हुआ नहीं। अब क्या करें, उम्मीद तो लगी है ना। बिल्लो बेटे तुम्हें कुछ आराम हुआ? गुदगुदी होती है मुझे, मजा आता है जब तुम मालिश करती हो। इससे तो जब भी कोई बात करो उल्टा ही जवाब देती है। अब उल्टा सवाल करोगे तो उल्टा ही जवाब मिलेगा। क्यों, इसमें उल्टा क्या है? माँ ने इतना ही तो पूछा था ना, आराम हुआ या नहीं? अब आराम होता तो मैं बाहर जाकर खेलती नहीं। क्यों उल्टा सीधा बोलती है, माँ इतने प्यार से पूछ रही है ना। अच्छा माँ मुझे ये बताओ कि रात में पेड़ सोते हैं? पेड़ों में भी हमारी तरह ही जान होती है, ये तुझे किसने बताया? मूर्ति ने, उसकी किताब में लिखा है। मुझे भी वो किताब दिखाई है। क्यों, तू क्या उसका हवाई जहाज बनाकर हवा में उड़ाएगी? ये बातें सिर्फ पढ़ने लिखने वालों को ही समझ में आती हैं। मैं भी पढ़ लूंगी। अच्छा बस कर बस कर, तू पहले अपना पैर ठीक कर ले, फिर तू ताऊ जी के साथ जाकर दुकान में दुखिया के साथ बाजार घूमना। ठीक, उस दुखिया के साथ उसके सर में तो जुए पड़े ही हैं। तू खामखा उसके पीछे क्यों पड़ी रहती है? वो भी तो मुझे दुकान से आम पापड़ नहीं लेने देता। तू ताऊ जी से मांग लिया कर। ताऊ जी कहते हैं वैद्य जी ने मुझे खट्टी चीजें खाने के लिए मना किया है। ठीक ही तो है, जब तू ठीक हो जाएगी तब खूब सारा खा लेना। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? हाँ बाबा हाँ, तू ठीक हो जाएगी, तेरे दिमाग में फालतू बातें कौन भरता है? जतर सिंह ताऊ जी का लड़का कह रहा था ये सब ना पढ़ने और गंदगी का नतीजा है, अब ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। वो तो कोरा पागल है। सुन अगर वो तुझे मिल जाए ना तो उससे जरूर कहियो
कि जितनी बार उसके घर में झाड़ू ना लगती होगी ना, उससे ज्यादा बार हमारे घर में धुलाई होती है। मेरा तो मन करता है पीट दूं। ते पागल, ऐसी बातें नहीं करते। अरे चाची, इसे डांटो मत, इसे जरा प्यार से समझाओ। पता है कल इसने क्या किया? वो पीछे वाले चौधरी का लड़का है ना, उसके सिर पे कल इसने पानी फेंक दिया। बिल्लो, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने भी तो कहा था कि पहले काम ठीक कर ले फिर खिलाएंगे। अच्छा दादा, बकबक मत कर, यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए गर्म पानी करके ला दूँ। बिंदु, रे बिंदु। हाँ दादा। उरे आ, बैठ जा। एक बात बता, कित गया था? दादा मैं सवेरे तो मंडी गया था। और उसके बाद? उसके बाद मैं गया था, हाँ खेतों में गया था। खेतों में? किसके साथ गया था खेतों में? कि उसके साथ गया था खेतों में? नहीं नहीं, मैं तो एकला गया था, कोई भी नहीं था साथ में। तो एकला क्या खेतों में पंछी उड़ा रहा था? दादा के बात करो, अब की मेरी पंछी उड़ाने की उम्र है? एक बात पूछू, सच बताएगा? दादा सच सच पूछोगे तो सच सच बताऊंगा। आड़े आगे बैठ। यो बता, वो मास्टरनी हमारे घर किस तरह आ गई? लो इसमें कौन सी बात हो गई? हमारा घर इतना बोंडा या बुरा लग गया कि कोई आ ही नहीं सकता। अब बेवकूफ ना बना बने, मेरी बात का ठीक ठीक जवाब दे। उस दिन वो तुझे और तू उसे देख के हंसा क्यों? दादा उसका तो मैंने बेरा नहीं की, हंसी थी नहीं, पर मैं तो हंसा नहीं था। पागल मत बना, अब तो सरकार मेरे हुनर को मानने लगी है। दादा एक बात कहूं मैं, अगर आपने देख के कोई हंस रहा हो तो क्या आप पत्थर फेंकोगे उस पर? टेढ़ी आंखों से? तो दादा वो अगर टेढ़ी आंखों से हंस रहा है तो टेढ़ा हो गया, आदमी देखेगा टेढ़ा ही दिखाई देगा, टेढ़ा ही होगा वो तो। तू मुझे देख के तो ऐसे कभी नहीं हंसा। क्यों, आप में ऐसी कौन सी बात है जिसे देख के हंसा जाए? मैं इतना बदसकल हूं, भूंडा हूं? ना ना, मेरा मतलब ये नहीं था दादा, बुरा मान गए आप तो। मेरा मतलब कोई कारण तो होना चाहिए हंसने का, इस तरह ही हंसते हो? मैंने पागल ना बना बिंदु, सच सच बता दे। दादा मैं आपसे झूठ नहीं बोलता। तो सच भी तो नहीं बोल रहा, सही से बता दे, तूने कितने दिनों से जाने? किसने दादा? अरे उसने जिसका पक्ष तू बड़ी पंचायत में ले रहा था। देख बिंदु, तुझे मेरी कसम। नहीं दादा, कसम ना खा, कसम ना खा, मैं उसे 5 साल से जानू। क्या? कैसे? अब पता नहीं दादा। हाँ तू तो अंतर्ध्यान ही है, सपने मिलता है, पता नहीं। दादा ऐसा है कि मुझे तो लग रही है भूख, और मैं पहले रोटी खाया हूँ, फिर बाद में बता दूंगा सारी बात। ना, 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 ना। पहले तो तू मेरी भूख शांत कर, सच बता ये है कौन? दादा ये वही शकुंतला है जो चली गई थी। वही शकुंतला जिसकी बात राजवीर करता था और उसे जानता तक नहीं था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है। मामला कहां तक पहुंचा? कैसी बात करो दादा, वो तो बेचारी विधवा है। राम 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 राम, ये क्या पाप अनाप शनाप पक्के चला गया एक विधवा जनानी पे। तू क्यों बैठा है, जाकर रोटी खा ले। पर दादा दुश्मनी तो फिर भी बनी रहेगी। बाद में बात करेंगे ना इस विषय पे। दादा इस बात को मत भूलो कि दुश्मनी मास्टरों से फिर भी बनी रहेगी। मास्टरों से तो दुश्मनी बनी रहेगी, मैं जा रहा हूं, इस बारे में बात बात करेंगे। ठीक है दादा। हे भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मास्टरों से तो दुश्मनी बनी रहेगी, बाकी कुछ उल्टा सीधा निकल गया है तो माफ कर दीजिए। अरे दुखिया, कित मर गया के मेरा,
राम की खाने की आदत होगी इन लोगों की तो, काम तो करते नहीं, इलायची का डब्बा खुला पड़ा है, बड़े हैं दुकानदार। राम राम पहलवान जी। राम राम भाई राम सिंह। अरे कैसा है तू? ठीक हूँ। ठीक है ना, ये सवेरे सवेरे पिघले हुए गुड़ की तरह लटका लटका कितना घूमता जा रहा है। अब क्या बताऊँ पहलवान जी, आखिरकार वो मैडम जो है ना जुल्म का शिकार होकर शहर चली गई ना। कौन सी मैडम? शकुंतला। हाँ वही। क्यों, क्या हुआ उसने? अरे के हुआ उसने, कौन सा जुल्म? अब साफ साफ तो पता नहीं, पर हाँ मैडम चिट्ठी पढ़ के बता रही थी कि किसी ने ऊपर से दबाव डलवा के उनकी बदली करवा दी, अब उनकी जान को खतरा भी था। अगर ऐसा हुआ ना राम सिंह, तो मैं भजीतों के गांव में ऐसे बैंड बजवाऊंगा, ऐसे बैंड बजवाऊंगा, ना अदब रहेगा ना आदाब। अरे कोई किसी की इज्जत करेगा ही नहीं, देख लेना। ऐसा तो हो गया पहलवान जी, और आप तो खुद खिलाफ ही थे। नहीं राम सिंह, देख हम किसी की जान को खतरा हो ही नहीं सकते, हम कभी पीठ पर वार नहीं करते, अरे पहलवान है हम लोग, समझे ना। और एक बात और, अगर ये गुलेलबाजी हमारे अपने घर से शुरू हुई है तो मैं भी ऐसे तीर चलाऊंगा कि जिंदगी छतों पर पनाह मांगेगी और बचाने वाला कोई नहीं होगा, समझे? मैं समझा नहीं पहलवान। अरे समझ भी लेगा तो कौन सा गांव में तितर उड़ा देगा तू। ये टकीले का खेल है, जानता है टकीले का खेल? नहीं जानता ना। टकीले का खेल वो खेल है, ये है ढोल पर ततैया चाल, समझ गया ना। यूं दु 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 यूं नाचे आदमी जैसे मधुमक्खी बैठ गई हूँ। पर आप ऐसा क्यों चाहते हो पहलवान जी? मैं ऐसा इसलिए चाहता हूँ राम सिंह, मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है ये हो क्या रहा है, कौन कर रहा है। मेरे दिमाग की नसें ना ये फटने लगी है, और ऐसी हालत में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और सुनो गांव वालों, अब बिंदु भी अपने दिमागी अखाड़े से काम लेगा, बहुत हो गई, अब प्रधान बन के दिखावेगा तुम्हारे गांव का, संभल के रहना, लगाए लोटे। ताल ठोक के पूछ बैठ के अक्कड़ पाकड़ ऐठा, गदा भांज के सीना फुला के घुटनों के बल बैठा, लठा लठे तियारी है पर कहीं तो कुछ है खटका, विद्या दान के बिना रे बबुआ मंजिल पे जा अटका, मंजिल पे जा अटका, मंजिल पे जा अटका। वफादार नहीं मसल वो मछली, अक्षर में है सार, अक्षर में है सार, अक्षर में है सार। दाव पे जुआर उठा पटक भी शिक्षा से लाचार, शिक्षा से लाचार, शिक्षा से लाचार। रे भैया ये है घर परिवार, रे बबुआ ये है घर परिवार।